हाँ तो गाइस कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुल्हड़ पिज्जा के रिलेटेड। गाइस अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख लेना, आपके पूरी न्यूज समझ में आ जाएगी। गाइस आपको पता होगा कि इनके वायरल एमएमएस वीडियो के बारे में, गाइस कुल्हड़ पिज्जा वायरल एमएमएस के बारे में। तो गाइस लक्ष्य चौधरी ने और आशीष चंचलानी ने इनकी वीडियो पर रिएक्ट किया। आशीष चंचलानी ने ये कुछ स्टोरीज अपलोड की और इनमें ये कहा, किसी के ऐसे प्राइवेट मोमेंट को फॉरवर्ड ना करें, ऐसे हमारे फैमिली के साथ और आसपास के लोगों के साथ भी हो सकता है, तब क्या करोगे, प्लीज उनके बारे में थोड़ा सा सोचो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, उनकी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। गाइस काफी सारे लोग आशीष चंचलानी पे कमेंट्स करने लगे, तो फिर उसने इस वीडियो को रिकॉर्ड क्यों किया है। आशीष चंचलानी ने ये कहा, उसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, तुम सही हो, लेकिन उस लड़के की बेवकूफी की वजह से उस लड़के को क्यों बदनाम कर रहे हो। और गाइस आप लोग लक्ष्य चौधरी को भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। गाइस लक्ष्य चौधरी ने इनके बारे में ये कहा, कुल्हड़ पिज्जा वाले कपल के साथ जो हुआ, जिन्हें नहीं पता भाई पता भी मत करना, लेकिन जिन लोगों को पता है मैं यही कहूंगा यार, देखो जिसकी भी गलती है जो भी है भाई, वो इंसान रिग्रेट करेगा, ठीक है। बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है ऐसा होना किसी के साथ, और जैसे उसने अपनी वीडियो में भी बोला कि भाई करते सब है, बट ये है कि प्राइवेट चीज है भाई, लोग इन सब चीजों के बारे में बोलना, ऐसी चीजें बाहर दिखाना, हमारे यहाँ क्या कहीं पे भी ऐसा कोई बहुत नॉर्मल चीज नहीं है। तो यार जब किसी की ऐसी, खास करके हमारी कंट्री में ऐसी चीज बाहर आई आ गई गलती से, तो यार उसे ज्यादा, मतलब हमारी ड्यूटी ये बनती है कि उसको ज्यादा सर्कुलेट मत करो, उसे शेयर मत करो। आप तक पहुंचगी तो ठीक है, बस आगे मत बढ़ाओ या सामने वाले को कमेंट करना, उसके कमेंट सेक्शन में जाके, हमें नहीं पता उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में क्या चल रहा होगा। मैं कह रहा कि इससे खराब कोई चीज नहीं हो सकती किसी के साथ ऐसे टाइम पे, तो बस हमारी इतनी ड्यूटी है कि यार वो चीज को ना ज्यादा बढ़ाओ मत, दे उसे मजाक की। एंड गाइस सेकंड न्यूज बहुत ही ज्यादा डेंजर है, बिल्कुल ध्यान से देखना। गाइस आप लोग नियोन मैन और न्यूज बॉय की न्यूज भी जरूर देखते होंगे। तो गाइस कैरी मिनाटी लाइव आ रहे थे, किसी बंदे ने नियोन मैन और न्यूज बॉय के बारे में पूछ लिया कैरी मिनाटी से। अब गाइस कैरी मिनाटी ने नियोन मैन को क्या कहा, ध्यान से देखना, आप लोग देखिए। तो जी हाँ गाइस, कैरी मिनाटी ने ऑलमोस्ट अपना दिखा दिया था, पर अपनी स्ट्रीम से वो बैकआउट कर गए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें अपना करियर खत्म नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बट मैं टेक्निकल गुरुजी क्यों बन गया, वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ सॉरी, बट जी क्या 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 कहता है वो मेरे को नहीं पता यार। नमस्ते सर, मैं हूं नियोन मैन, और आज हम बात करेंगे कैरी मिनाटी के बारे में। आज हम बात करेंगे, बहुत ही गलीच इंसान है, बहुत ही गलीच इंसान है, अपने स्ट्रीम पे दिखाने वाले थे पर उन्हें रियलाइज हो गया कि उन्हें अपना करियर नहीं खत्म करना है, और ये सिर्फ मेरे लिए, और ये सिर्फ मेरे लिए किया है उन्होंने। बाकी गाइस अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, बाय।